स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़ी घटनाओं को हम कहानियों के रूप में कई बार सुन चुके हैं और उनसे हमने बहुत कुछ सीखा भी है। आज की इस कड़ी में मैं आपके लिए एक ऐसी ही कहानी लाया हूं जो कि स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़ी हुई है। आइए सुनते हैं दिमाग की शक्ति। एक बार स्वामी विवेकानंद के पास एक आदमी आया और पूछा कि प्रभु, भगवान ने हर इंसान को एक ही जैसा बनाया है, फिर भी कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ बुरे, कुछ सफल होते हैं तो कुछ असफल। स्वामी जी निर्मलता पूर्वक बोलने लगे, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। उन्होंने कहा जाता है कि यह धरती रत्न गर्भा है, यहाँ जन्म लेने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। एक बार देवी देवताओं की सभा चल रही थी कि इंसान इतना विकसित कैसे है, कैसे वह इतने बड़े बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर लेता है, ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके दम पर इंसान असंभव को संभव कर डालता है। सारे देवी देवता अपने अपने विचार रख रहे थे। कोई बोल रहा था कि समुद्र के नीचे कुछ ऐसा है जो इंसान को आगे बढ़ने को प्रेरित करता है, कोई बोल रहा था कि पहाड़ों की चोटी पर कुछ ऐसा है जो इंसान को आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। अंत में एक बुद्धिमान ने जवाब दिया कि इंसान का दिमाग ही ऐसी चीज है जो उसे हर कार्य करने की शक्ति देता है। मानव का दिमाग एक बहुत अद्भुत चीज है, जो इंसान इसकी ताकत को पहचान जाता है वह कुछ भी कर गुजरता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। और जो लोग दिमाग की ताकत का प्रयोग नहीं करते वो लोग जीवन भर संघर्ष ही करते रह जाते हैं। हर इंसान की जय और पराजय उसके दिमाग के काम करने की क्षमता पर निर्भर करती है। ये दिमाग ही वो दैविक शक्ति है जो एक सफल और असफल इंसान में फर्क पैदा करती है। सारे देवी देवता इस जवाब से प्रसन्न हुए। स्वामी जी ने आगे कहा, आप जैसा सोचते हैं आप वैसे ही बन जाएंगे। आप खुद को कमजोर मानेंगे तो कमजोर बन जाओगे, खुद को शक्तिशाली मानोगे तो शक्तिशाली बन जाओगे। यही फर्क है एक असफल और एक सफल इंसान में। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो निश्चित रूप से हमें लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोज मिलती रहे हमेशा।